बात है। आइए देखते हैं समस्त गतिविधियां विज्ञान कांग्रेस की। बोलने को आ गया पारंपरिक ज्ञान पद्धति का एग्जाम्पल बच्चों को अभी यहाँ प्रस्तुत करना है, जिसमें उन्होंने हमारे पारंपरिक ज्ञान को यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। ऐसा कंपटीशन की तैयारी के दौरान गाइड मेंटर के द्वारा अपने बच्चों को समझाते हुए उसमें आने वाली समस्याओं में और कौन कृषक अच्छा उसमें अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में जनपद नैनीताल के बच्चों के द्वारा पारंपरिक ज्ञान पद्धति को अपना प्रस्तुत करने के लिए जीआईसी बेलपड़ाव से आई बालिकाएं, जो हमारे उत्तराखंड की देन पारंपरिक ज्ञान है, संस्कृति है, उसको यहां दर्शाने के लिए आई हैं। इसकी अवधारणा क्या है बाल विज्ञान कांग्रेस की, आप थोड़ा बताएंगे? बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच की प्रवृत्ति को जागृत करना और बच्चों के अंदर प्रकृति से जोड़ना, ये इसकी मुख्य अवधारणा है। हमारे समाज के लिए सबसे हानिकारक मेडिकल कचरा है। क्षेत्र नहीं जहां हम साइंस के बिना इसके होने की कल्पना कर सकते हैं। विज्ञान का वैभवशाली अतीत, प्रगतिशील वर्तमान और भविष्य की सुखद परिकल्पनाओं पर ही विज्ञान आधारित है।
फिर कहीं कोई आविष्कार होते हैं, कुछ खोजें होती हैं, और फिर आप महान वैज्ञानिकों की श्रेणी में चले जाते। फैराडे को 11 साल लग गए प्रेरण का सिद्धांत दिया था, मोटर आप जो देखते हैं, विज्ञान के नियमों की खोज करना हो या फिर अपनी पढ़ाई लिखाई हो, थोड़ी देर बाद ऊब जाते हैं। आपको एक इस छोटी उम्र से माध्यमिक क्लासेस से 6 टीमें ब्लॉक से आई हैं, उस हिसाब से 8 ब्लॉकों में 48 शोध पत्र यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट से भी कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया, कुछ संख्या निर्धारित है यहाँ से। कांग्रेस के लिए आपके अनुभव? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर डिफरेंट ब्लॉक से जो हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ही इंस्पायर होकर आए हुए हैं और बहुत एक्साइटेड हैं, और जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंटेशंस चल रही हैं पैरेलल, और हम देख रहे हैं बच्चे जो हैं बहुत जोश से बोल रहे हैं, और पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि मेरा पार्टिसिपेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहली बार है, तो यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये जो बच्चे हैं ये भले ही हमारे थोड़े रूरल एरिया से भी बच्चे हैं, थोड़े रामनगर एरिया से भी बच्चे हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा टैलेंट इनका हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और काफ़ी जोश जोश से, और इनका एक साइंटिस्ट के रूप में आपको हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बच्चे बच्चे नहीं बल्कि एक बाल वैज्ञानिक के रूप में अपने जो भी इन्होंने प्रोजेक्ट किया उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। और राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के जनपदीय कार्यक्रम में बच्चों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाओं सहित।